वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी बिल्कुल अच्छे हैं। आज है सैटरडे नाइट और हम अभी हैं किचन में, इधर बना रहे हैं पाव भाजी। एक सेकेंड, ये जल जाएगा वरना। रुको रुको रुको, इसकी तो रील बनानी। तो हम अभी बना रहे हैं पाव भाजी, जिसके लिए अभी सारा इंतज़ाम कर लिया, लेकिन हम रेसिपी इधर नहीं आपको दिखाने वाले हैं, इसके लिए अलग से एक शॉर्ट में डाल देंगे। वही हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, तो अभी हम आपको दिखाते हैं क्या क्या तैयारी करी है। कुछ गड़बड़ हो गई, जो वीडियो रिकॉर्ड करी थी तैयारी की वो खो गई, इसलिए सीधे भाजी तैयार हो गई, वो आपको दिखा रहे हैं। और ये रही मेरी प्लेट, हमने सजा ली है आप लोग को दिखाने के लिए, स्पेशली रेसिपी की शॉर्ट वीडियो बनाई है, इस व्लॉग के एंड में वो ऐड कर देंगे। आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कि आप ऐसे ही बनाते हैं या कोई और तरीका है। फिर हमने काफ़ी देर तक अपनी वॉक करी, क्योंकि ये डिनर काफ़ी ज़्यादा हैवी था। तो हमने पिछले व्लॉग में बोला था कि फराज को व्लॉग में रखें कि हटा दें, तो काफ़ी सारे मैसेज और कमेंट तो एक ही आया था कि भैया मेन कैरेक्टर को ना हटाएं। तो आपको कैसा लगा ये कमेंट सुन के? बहुत अच्छा लगा। पैसे दो? पैसे अभी नहीं मिल रहे, तुम्हें कहाँ से दे दें? अच्छा ये बताओ, पाव भाजी कैसी बनी है? बढ़िया। सही बताओ, इधर देख के बताओ। तो बहुत अच्छी बनी है। चक्कर चक्कर आ जाएगा। अरे फरास पकड़े ना, गिर जाएगा वो। अच्छा सॉरी कह दो फरास। अब क्या कुकर में पकाया जाता है भुट्टा? नहीं। फिर चूसू आइए, तो नीचे जाना है उसको। ये लो फराज, आप दे दो चाचा नाना को। लाओ लाओ, भल तो दू, यही करता रहता है ये लड़का। आज का मौसम कितना अच्छा हो रहा है, पूरे बादल ही बादल हैं। अब काले बादल फिर आ रहे हैं, फिर बारिश होगी लग रहा। आज काले में बने कबाब अभी बन रहे हैं, और यहाँ पे बन रहे हैं मीठे वाले पराठे। डिजाइनर मम्मी बातों में इतना बिजी हो गई कि एक पराठे का ये हाल हो गया। दिखाइए मम्मी, तो कितना अच्छा पराठा है। दिखाइए तो जला हो क्या दिखाए। हाय गाइस, आज है ट्यूसडे और आप लोग से बताने का टाइम नहीं मिला, लेकिन आज सुबह मेरी आँख खुलने से पहले ही, मतलब हम सो रहे थे और खिज रहा के हमसे बोलने लगा कि आज मोती झील चलना है माई। तो अभी हम लोग जा रहे हैं शाम के 4 बजे मोती झील, और शायद हमने अभी तक आप लोग के साथ शेयर नहीं करा है। खिज आया हुआ है, तो खिज आए हुए हैं अपनी मम्मी के साथ घर पे रहने के लिए, क्योंकि उनकी जो मामी है वो गई है अपने घर पे रहने के लिए। कहाँ? देखें क्या पहना है आपने। ओह माय गॉड, माशाल्लाह। और मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी। बस अच्छी, वाह नहीं लग रही हूँ। अच्छी वाह नहीं लग रही हूँ। तुम तुम्हारी मम्मा, तुम्हारी मम्मा खुद ही नहीं अच्छी लग रही है। मम्मा अच्छी लग रही है, माँ अच्छी लग रही है, बताओ पहले। बताओ एक को बताओ, मम्मा अच्छी लग रही है कि माँ अच्छी लग रही है? मम्मा ज्यादा अच्छी लग रही है कि माँ? ए, इतनी जोर का मारेंगे ना बंदर बंदर, हम नहीं बोल रहे इससे बस। आज मोती झील में इतना सन्नाटा था, एक तो वीक डे था एंड सेकेंडली स्कूल्स भी ओपन हो चुके हैं एंड फेस्टिवल्स भी स्टार्ट हो गए हैं, तो काफी ज्यादा सन्नाटा था। आज यहाँ का पानी कितना गंदा हो रहा है, हमें लग रहा है ये पत्तियाँ हैं पेड़ों की या एल्गी है। एल्गी लग रही है, हमें पत्तियाँ नहीं लग रही हैं। नहीं, मेंटेनेंस क्यों नहीं हो रहा है? वैसे तो अच्छा रहता था, जब बहुत कम लोग रहते हैं यहाँ पे तो काफ़ी अच्छा लगता है, ओवर क्राउडेड में उलझन होती है।
बारिश की वजह से काफी ज्यादा ग्रीन लग रहा हैगा। अब ये वाली वीडियो देख के आपको थोड़ा सा बोरिंग जरूर लगेगा, लेकिन हमें झूला झूल के बहुत मजा आया। सिर्फ एक यही झूला है जिसको स्विंग बोलते हैं, बस वो आगे पीछे जो होता रहता है, हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, और इसके अलावा कोई झूला नहीं। मेरे घर के पास में कोई अच्छा पार्क नहीं है, वरना तो हम रोज़ जाएं, क्योंकि इस एनवायरनमेंट में बैठ के इतना सुकून मिलता है। और ये है मोती झील की कैंटीन, जहाँ का खाना हम लोग 2-3 बार ट्राई कर चुके हैं और हर बार बिलो एवरेज ही मिला है। यहाँ की सर्विस भी बहुत स्लो है, इसलिए यहाँ नहीं जा रहे हैं हम लोग। आज हम लोग जा रहे हैं न्यू फूड कोर्ट, या फूड फोरम नाम से है, न्यू ओपन हुआ है जस्ट ये मोती झील के सामने। ये बिल्डिंग आपको दिख रही है, ऑरेंज ग्लासेस जहाँ पे हैं, ये मेट्रो स्टेशन के नीचे बना हुआ है। तो हम लोग ने सोचा क्यों ना आज इधर जाके ट्राई करते हैं। और यहाँ बैठ के हमें यहाँ की बेस्ट बात लगी, ये बिल्कुल साउंड प्रूफ बनाया है, इसके ऊपर मेट्रो की क्या कहते हैं, मेट्रो की ट्रैक है, और बाहर इतना बिजी रोड है कुछ आवाज़ नहीं आती है। अंदर जब डोर ओपन होता है सिर्फ तब आवाज़ आती है। काफ़ी सुकून वाली जगह हमें लगी है। तो हमने लिया है चॉकलेट शेक, अनु ने लिया था कोल्ड कॉफी, एंड हम लोग ने लिया था वड़ा पाव, और ये कुछ नगेट्स थे। नगेट्स कौन से थे, फ्लेवर हमें याद नहीं है। टेस्ट वॉज वेरी नॉर्मल, जैसे प्राइसेस थे वैसा टेस्ट था, कोई ब्रांड वाले प्राइसेस नहीं थे और कोई बहुत सस्ता भी नहीं था। प्राइसेस यहाँ पे अराउंड 100 स्टार्टिंग प्राइस है, उससे कम भी है, तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखो हम लोग घर आ गए, और मेरा बउआ भी कपड़े चेंज करके आ गया है, और चाचा नाना को दिखा रहा है बबल्स कैसे निकलते हैं। इसमें तो एक गन वाला दिया था ना, ऐसे करते रहो ऐसे, और बिल्कुल ऐसे गन वाला, गन वाला वो ला लिया है। तो इरबाज मामा लाए थे ना तुम्हारे पास? नहीं लाए थे। गन वाला होता है ऐसे, बोलो तो गाइज यही था बस 3-4 दिन का छोटा सा व्लॉग। ज़्यादा कुछ हमने रिकॉर्ड नहीं करा था, क्योंकि कुछ ऐसा बहुत इंटरेस्टिंग नहीं हुआ था, तो हमने सोचा क्या बोरिंग चीज़ें डालें, वही डेली वाला रूटीन। तो जितना भी है आप लोग देख लेना, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो लोग बहुत कहने भी लगे हैं कि व्लॉग कब आएगा, जल्दी डालो एंड ऑल। तो हमने सोचा जो भी है हम पोस्ट कर दे रहे हैं, आप लोग को अच्छा लगे तो बताइएगा। अच्छा तो आप लोग आ गए, अस्सलाम वालेकुम। अब चलो किचन में कुछ बनाते हैं। सबसे पहले है बॉईल करा हुआ आलू और प्याज टमाटर बारीक कटे हुए। बाकी वेजीज लाइक गाजर, शिमला मिर्च एंड पत्ता गोभी को कुकर में गला लिया और मैश कर दिया। फिर प्याज लाल करी, टमाटर ऐड करा, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक सब कुछ डाल के कवर करके रख दिया इसको गलने के लिए। टमाटर गल गए, बेसिक मसाले ऐड करे, पाव भाजी मसाला, मैश्ड वेजीज, सब कुछ मिक्स कर दिया। हाई फ्लेम पे इसको भूनना है एंड कीप स्टरिंग कंटिन्यूसली। लुक एट इट, कलर कितना अच्छा आ रहा है। फिर हमने इसमें ऐड कर दिए उबले हुए आलू, मैश्ड करे हुए, अच्छे से मिक्स कर दिया। डिजायर्ड कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग इसमें गरम पानी ऐड करेंगे, बॉईल आने तक के इसको कुक करेंगे। पाव को भी बटर लगा के सेक लिया, और रेडी हो गई मेरी प्लेट। ये है मेरी पाव भाजी की रेसिपी। अब अपनी तारीफ खुद ही कैसे करें, लेकिन ये देखो फराज के एक्सप्रेशन से समझ में आ जाएगा। हम जा रहे हैं वॉक पे, और तुम इस रील को शेयर करो अपनी सिस्टर के साथ।